हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पोहे की नमकीन बनाएंगे और बनाना बहुत ही आसान है, जिसके लिए हम कुछ ड्राई फ्रूट देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक कटोरी कच्ची मूंगफली लिए हैं, कुछ नारियल, कुछ काजू, किशमिश और बादाम। आप ड्राई फ्रूट कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे 250 ग्राम पोहे लिए हैं। पोहे भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपके पास जो भी पोहे अवेलेबल हों वो आप ले सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल डाल लिया है और तेल को गर्म होने देते हैं। जब तक तेल गर्म होता है तब तक हम नमकीन के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो कम ही डालूँगी। हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, एक चम्मच भुना हुआ जीरा, ये मैंने अभी तुरंत भून के डाला है जिसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, हाफ टेबल स्पून से भी कम काला नमक और एक टेबल स्पून सफ़ेद नमक। नमक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। दो चम्मच मैंने यहाँ पे चीनी डाली है, तगार बूरा। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सभी चीज़ें नमकीन के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं, आप इन्हें कम ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। मसाला हमारा तैयार हो गया है, बिल्कुल रेडी है, आप देख लें। अब हमारा तेल भी गर्म हो गया, इसमें हम पोहे डालकर फ्राई कर लेते हैं। हमें एक साथ सभी पोहे नहीं डालने हैं, थोड़ी थोड़ी करके ही फ्राई करेंगे। और पोहे तेल में डालते ही डबल हो जाते हैं, देखो पोहे फ्राई हो गए हैं। हमें पोहों का कलर चेंज नहीं करना है, जैसे वो तेल में डालते ही डबल हो जाए तो हमें उन्हें निकाल लेना है। मैं दूसरी छलनी में डाल रही हूँ जिससे जो इनमें तेल है एक्स्ट्रा वो निकल जाए नीचे प्लेट में। इसी तरह से सभी पोहे फ्राई कर लेंगे। पोहों में फिर भी एक्स्ट्रा ऑयल बच जाता है तो हम करेंगे क्या कि एक प्लेट पे टिश्यू पेपर रखेंगे, उसमें पोहे डाल देंगे, एक्स्ट्रा तेल होगा वो ये टिश्यू पेपर में चला जाएगा और हमारी नमकीन सूखी सूखी बनेंगी, अच्छी बनेंगी। इसी तरह से मैंने सभी पोहे फ्राई कर लिए हैं। एक बैच फ्राई करने के बाद हम इसमें एक चम्मच मसाला लेंगे और फैला देंगे, जिससे होगा ये कि मसाला नमकीन में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसी तरह से मैं सभी पोहे फ्राई कर लूँगी। पोहे फ्राई कर लिए हैं, अब हम इसमें मूंगफली भी फ्राई करेंगे। सेम तेल में ही सभी चीज़ें फ्राई कर लेनी है। मूंगफली फ्राई होने में एक मिनट का समय लगेगा, ये कच्ची मूंगफली है, झट से फ्राई हो जाएंगी। देखो ये हल्की हल्की फटने लगती है मूंगफली फ्राई होने के बाद। मूंगफली फ्राई हो गई है, इन्हें हम निकाल लेते हैं, इन्हें भी टिश्यू पेपर के ऊपर ही निकालेंगे। मूंगफली निकालने के बाद अब हम इसमें बादाम फ्राई करेंगे। बादाम भी, और हमें गैस की फ्लेम को लो ही रखना है क्योंकि ड्राई फ्रूट जल जाते हैं, तो हमें गैस की फ्लेम को हाई नहीं करना है, लो फ्लेम पे ही इन्हें भूनेंगे, हिलाते रहेंगे। बादाम में कम से कम आधा मिनट ही लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ड्राई फ्रूट भूनने में। और ये नमकीन झटपट से बन के रेडी हो जाती है। इसी तरह से हम काजू भी फ्राई कर लेंगे। काजू तो बादाम से भी ज़्यादा पहले फ्राई हो जाते हैं, झट से देखो इनका हल्का हल्का कलर चेंज होने लगा है, हल्का गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है इनका, तो इन्हें हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम किशमिश फ्राई करेंगे। किशमिश भुनने के बाद फूल जाती हैं, देखो हल्के हल्के फूलने लगी हैं, किशमिश भी भुन के तैयार है, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। सेम तरह से ये हम ये जो नारियल के टुकड़े लिए थे इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से सभी ड्राई फ्रूट को फ्राई कर लेंगे। सभी ड्राई फ्रूट फ्राई कर लिए हैं। मैं इसमें एक चीज़ और डाल रही हूँ, ये मेरे पास कॉर्नफ्लेक्स हैं, आपके पास हो तो डालें, नहीं ना हो तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैं एक कटोरी कॉर्नफ्लेक्स डाल रही हूँ, इन्हें भी हल्के से भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। देखो फ्राई हो गए हैं, इन्हें भी बाहर निकाल लेते हैं प्लेट में। अब मैंने 10 से 15 करी लीव्स लिए हैं, ये सूखे हुए कड़ी पत्ते हैं, इनको भी हल्का सा भून लेते हैं, इनसे नमकीन में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कड़ी पत्ते फ्राई हो गए हैं, इन्हें भी बाहर निकाल लेते हैं। अब हम नमकीन तैयार करते हैं। हम
हमारी सारी चीज़ें फ्राई होके रेडी हो गई हैं। पोहे, ड्राई फ्रूट्स और कॉर्नफ्लेक्स, इन्हें हम अब मिक्स कर लेते हैं। मैंने एक बड़ी परात ली है, इसमें सभी चीज़ें आसानी से मिक्स हो जाएंगी। तो इसमें जो पोहे फ्राई किए थे वो इसी में डाल लेते हैं। परात में पहले पोहे डाले हैं, अब हम जो ड्राई फ्रूट फ्राई किए थे, कॉर्नफ्लेक्स, वो भी डाल लेते हैं। सभी चीज़ें इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाला तो हमने इनके साथ साथ ही डाल दिया था, तो अभी मसाला डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमने मसाला तैयार किया था वो बिल्कुल परफेक्ट था। अगर आप इसी तरह से नमकीन बनाएंगे तो आपकी नमकीन भी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमें एक एयर टाइट कंटेनर लेना है जिसमें हम नमकीन भर के रखेंगे, जिससे नमकीन में नमी नहीं जाए और क्रिस्पी नमकीन बनी रहे। मैंने यहाँ पे एक डब्बा लिया है, इसमें नमकीन भर दी है और बहुत ही टेस्टी नमकीन बनी है। राधे राधे दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।